दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे दिल्ली से हरिद्वार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। वही इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों दिल्ली से हरिद्वार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल प्ले स्टोर पर आ जाइए। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए IRCTC। सर्च करने के बाद IRCTC ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप डायरेक्ट बुक कर सकते हो, नहीं है तो ऊपर साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिया, वहाँ पर क्लिक करके आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह डालकर अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले वाली लाइन में आपको पहले वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ट्रेन का, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद पेज चेंज हो जाएगा। फिर से पहली वाली लाइन में पहले वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बुक टिकट का, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा फ्रॉम के आगे टू, फ्रॉम पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाल लेना है आनंद विहार टर्मिनल्स, दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनल से ये निकलेगी। आपको टू पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हरिद्वार जंक्शन डाल लेना है। क्लास ऑल लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। कोटा जाना लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। डेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेट पर आपको जाना है। याद रखिए बुधवार का रोज़ आपको छोड़कर बुक करना है, क्योंकि बुधवार के रोज़ नहीं चलती है वंदे भारत लगभग से दिल्ली से हरिद्वार के बीच में। याद रखिए मैं यहाँ पर ले लूँगा लगभग से 15 अगस्त 2023। आप अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर लीजिए। सर्च ट्रेन के बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। पहली वाली जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस 224-57, आप देख सकते हो जो शाम में निकलेगी 5:50 पर, 3:25 बाद आपको ये छोड़ देगी हरिद्वार जंक्शन में। आगे रूट मैप दिया, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है रूट पढ़ लेना है। निकलती है आनंद विहार टर्मिनल से, जाएगी लगभग से देहरादून तक, लेकिन हमारा जो स्टॉप है वो हरिद्वार जंक्शन है, देख सकते हो आप यहाँ पर। अब टाइमिंग वगैरह यहाँ पर देख लिया, इसमें सीसी क्लास है और एसी क्लास है। सीसी क्लास का जो प्राइस है 975 रुपये है और एसी क्लास का जो प्राइस है वो लगभग से 1705 रुपये है। अब यहाँ पर सीसी क्लास में मैं जाना चाहता हूँ तो मैं सीसी क्लास पर क्लिक कर लिया। आप एसी में जाना चाहते हो तो आप एसी क्लास पर क्लिक कर लीजिए। मैं सीसी में जाना चाहता हूँ इसलिए मैं सीसी पर क्लिक कर लिया हूँ। यहाँ पर सीट अवेलेबल है, नीचे प्राइस दी हुई है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। बेस फेयर, रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज, जीएसटी, कैटरिंग चार्ज वगैरह टोटल पढ़ लेना है। यहाँ पर इन्होंने खाने का पहले से जोड़ लिया है। वहाँ पर आपको ट्रेन में ये जो भी फूड वगैरह देगी उसका आपको वहाँ पर पेट नहीं करना है, पहले से इन्होंने पैसा जोड़ लिया है टिकट के अंदर। बैग कर लेना है। बुक करने के लिए नीचे पैसेंजर डिटेल की रेड कलर की बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पिन डाल लेना है। अकाउंट बनाने के टाइम आपने जो भी पिन डाला था वो आपको डाल लेना है। लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपकी आईडी को ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद उसी पेज पर रिटर्न से आपको लेकर आ जाएगा। अब फिर से बुक करने के लिए नीचे पैसेंजर डिटेल की रेड कलर की बटन दी गई, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब ऊपर डिटेल दी गई पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद नीचे आ जाना है, पैसेंजर का नाम भरना है। लिखा हुआ है सेलेक्ट पैसेंजर, उसके नीचे लिखा हुआ है ऐड न्यू, ऐड न्यू पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद पैसेंजर का नाम यहाँ पर आपको डाल लेना है। एज डाल लेना उसकी, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी इंडिया छोड़ देना है। बर्थ प्रेफरेंस, आपको विंडो सीट चाहिए तो आप विंडो साइड पर क्लिक कीजिए। मील प्रेफरेंस लिखा हुआ है, वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं वेज ले लूँगा, ऐड पैसेंजर पर क्लिक करूँगा। आपके साथ दो लोग हैं, चार लोग हैं, छः लोग हैं, ऐड न्यू पर क्लिक करते जाइए, उनकी डिटेल भरते जाइए। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाना है। जीएसटी नंबर वगैरह आपके पास है तो यहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल भरिए, टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा, नहीं है तो छोड़ देना है। पेमेंट मोड यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से पेमेंट करते हो तो आपको 30 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। अगर आप भीम UPI से करते हो तो आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। यहाँ पर 10 रुपये बच रहे हैं इसलिए मैं सेकंड नंबर का ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद इंश्योरेंस लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो नो पर क्लिक करके रिव्यू जर्नी डिटेल की रेड कलर की बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लेना है, अपना नाम वगैरह देख लेना है, आप पैसेंजर का नाम वगैरह पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर दिया हुआ रहता है, हर टाइम अलग अलग रहता है, वो देख कर आपको डाल लेना है। उसके बाद प्रोसेस टू पे की रेड कलर के बटन, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप जो है IRCTC ऐप पे के थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह से पेमेंट कर सकते हो। सेकंड नंबर का ऑप्शन है मल्टी पेमेंट ऑप्शन, आप भी यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग पार्टनर के थ्रू पेमेंट
कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन लूँगा, ये इजी रहता है। थर्ड नंबर का ऑप्शन क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लूँगा, आप भी इसी तरीके से क्लिक कर लीजिए। उसके बाद पे की बटन पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो आप पेटीएम नंबर डालकर भी पेमेंट कर सकते हो। उसके नीचे यू पी आई का ऑप्शन दिया, यू पी आई से अगर पेमेंट करना है तो यू पी आई पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपना यू पी आई आई डी डाल लीजिए, यू पी आई आई डी आपको जो है मिल जाएगी लगभग से गूगल पे या फ़ोन पे ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको आईडी मिल जाएगी। आईडी डालने के बाद प्रोसेस की बटन पे क्लिक कर लेना, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको मैसेज आएगा फ़ोन पे की तरफ से, अगर आपने फ़ोन पे की आईडी डाला है तो उधर से आएगा, गूगल पे की आईडी डाला है तो उधर से आएगा। पे की बटन पर क्लिक कर लेना है, मैसेज पर क्लिक करने के बाद या आपको डायरेक्ट लेकर जाएगा फ़ोन पे पर। पे की बटन पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद फिर से एक बार पे की बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना यू पी आई पिन डाल लेना है, डालने के बाद आपकी बैंक से अमाउंट कट हो जाएगी, आपका टिकट कन्फर्म बुक हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, आपके मेल पर पी डी एफ फाइल आ जाएगी, आपकी स्क्रीन पर टिकट की डिटेल आ जाएगी जिसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, और हाँ कमेंट में जरूर लिखिए ओके जय हिंद। नमस्कार।